ॿियो क्लास वठी आया आहियूं ऐं असां सां गॾु आहे अब्दुल कदीर साहब एंड शेरी साहब ऐं वजाद हुसैन साहब एंड शेर मोहम्मद साहब सही थो चवां न जेको चई छॾी मारी हाणे मारी हाणे असांजी अटेंडेंस थी थिए ऐं जेको शेर मोहम्मद अटेंडेंस पंहिंजी भरे थो हिन पोइ असां भरींदासीं पंहिंजी आज से 200-300 साल पहले 17वीं सदी ईस्वी में हुआ। इससे पहले इस तरह के बैंकिंग सेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फाइनली जान बेकरी वट पुजे हुआ ते लिक्विड वठणो आ साईं ही रखी छड़िया लिक्विड आई मयूं तां कोशिश बा वाले तो काउंटर पे देखता ना अस्सलाम वालेकुम। मुझे नालो है मुर्शिद। तुम ने सीरिया फन विद मुर्शिद यूट्यूब चैनल अडे को व्लॉग जो है नॉर्मल व्लॉग आए डेली लाइफ जे व्लॉग आए मल आयो यूनिवर्सिटी अज सुको सी सुके सी में ई खबर पौंदी आए त हथ धो तो ताजा हथ थदा ही रहंदा गरम रहंदा ही ना। सो अज इन करे जैकेट मास्क एंड टॉप पाए आयो। सो हाँ हली रहा हूँ क्लास ऐं पोइ तव्हांखे ॿुधायूं था त अॼु वॾा कम आहिनि उहे कम बि करणा आहिनि ऐं यूनिवर्सिटी खां बाद वरी मूंखे शहर वञिणो आहे। सो ॿुधाए रहियो आहियां हलूं था यूनिवर्सिटी पंहिंजी क्लास। सो फाइनली डिपार्टमेंट में पुॼी आहियूं ऐं अॼु कम अहिड़ा आहिनि थोरा वधियल आहिनि। पहिरियों त हिते यूनिवर्सिटी खां बाद वरी यूनिवर्सिटी में दोस्तनि सां मिलंदासीं। दोस्तनि खे तव्हां ते थोरी बिरयानी खाराईंदुमि। चयो मां जॾहिं मां शॉप खोलींदुमि त तव्हांखे मिठाई खाराईंदुमि। हुननि चयो मिठाई न ऐं मिठाई न असांखे बिरयानी खपे। सो हुननि खे अॼु थी सघे बिरयानी खारायूं एंड ॿियो वरी सिटी हलणो आहे। सिटी इहे अमीअ जूं दवाऊं वठणियूं आहिनि ऐं नंढियुनि भेण जा प्रैक्टिकल वठणा आहिनि ऐं मां हिकिड़ी भेण खे नंढी भेण खे खणंदुमि स्कूल मां पिक कंदोमांसि। वरी पोइ इनशाला घरु पुॼंदासीं। घर पोइ व्लॉग खे ख़तमु कंदासीं ऐं अॼोको व्लॉग थोरो वॾो थी सघे वॾो थी सघे नंढो थिए ख़बर नाहे। ऐं हिन महिल जैकेट सीए करे पाया हुयमि ख़बर नाहे हाणे जैकेट लाहींदुमि बैग में रखंदुमि। बैग में टोपी बि खणी आयमि। टोपी अगरि दिलि चयो टोपी पाईंदुमि त वारनि खे फणी ॾेई बसि ईअं हथ पेरां ई थधा लॻा पिया पर वरी हाणे फणीअ जे करे हथ आला करणा पिया त वरी अञा घणा थधा थी विया। बसि साईं थधि आख़िरी थधि आहे फेबरवरीअ जी थधि। फेबरवरीअ में ख़ासि करे जा कोहिड़ो हूंदो हुयो हाणे कोहिड़ो त थी वियो हाणे वरी थधिड़ो सीउ आहे माना सुको सीउ उहो थी वेंदो। पोइ वरी गर्मियूं ईंदियूं 15-20 खां पोइ गर्मियूं आहिनि। बसि गर्मियुनि जो हदि शुरू थी वेंदी। हिन महिल ई उस अहिड़ी थी निकिरे मंझंदि जो जो क्या वा सफ़ा जून जुलाई जूं यादियूं थियूं अची वञनि। सो फाइनली ॿियो क्लास वठी आया आहियूं ऐं असां सां गॾु आहे अब्दुल कदीर साहब एंड शेरी साहब ऐं वजाद हुसैन साहब एंड शेर मोहम्मद साहब। हा अई बंदि पियो आहे। सो असांजो 11 वॻे हिते क्लास आहे सेमिनार में। फस्ट ईयर खां क्लास पंहिंजो न आहे को बि मिलियो उधर ते मिलिया आहिनि असांखे। अगरि तोखे को स्टॉल कुझु हणणो आहे त हे खाली पियो आहे। हीउ खाली पियो आहे पहिरियों ई आहे काशिफ़ खान हटाए छॾींदासीं। ओके ओके ओके। सो फस्ट क्लास वठी छॾियो आहे। थो चए त असांजे डिपार्टमेंट खे रंग न कयो अथऊं बाक़ी हिन डीन जे ऑफिस में रंग थी वियो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बि थी वियो आहे एंड बीबीए परियां हिन खां बीबीए परे थी आहे। सिर्फ़ु असांजी डिपार्टमेंट ग़रीबियाणी आहे ऐं असां ख़ुदि ग़रीब आहियूं जेके असांखे पंहिंजो क्लास नथो मिले फस्ट ईयर खां। कीअं शेर साहिबु शेरी साहिबु सही थो चवां न जेको चई छॾी मारी हाणे। हाणे शेर मोहम्मद पिक्चर कढाए रहियो आहे। असांजे अधु कलाक में हिते क्लास आहे ऐं चीफ गेस्ट आहे मुफ़्ती अब्दुल ख़ालिक आज़ाद ऐं इस्लामिक बैंकिंग जे हिसाब सां आहे ऐं असां बैंकिंग फाइनेंस वारा आहियूं। सो असांजी क्लास हिते स्टार्ट थींदो ऐं तव्हांजो भाउ मुर्शिद। सो असां हिते वेहंदासीं सॼा उहो ई सेमिनार। सो सेमिनार थी आयासीं हाणे चालान भराइणो। चालान भराइणु आया आहियूं पोइ चालान वठणु आया आहियूं पोइ भराईंदासीं बैंकिंग में। ऐं फीस लिस्ट जंहिंमें असांजा 30 रुपया वधाए अथऊं। छा था सम्झो 30 रुपया वधाया अथऊं हिकु हिकु बार ते। असां पहिरीं ॻाल्हि ते हिते राज़ी न आहियूं। न आहियो राज़ी? ग़रीब माण्हू काॾो हणी थो अञा वधीक पैसा वधाइनि। 30 रुपया वॾी ॻाल्हि न आहे पर हाणे दौर में 30 रुपया कमाइण बि हिकु वॾो मसलो वॾो मसलो थी वियो आहे। ऐं 30 रुपया हिकिड़े शागिर्द जा छा पसंदि हिकु शागिर्द हर अमीर इहो अफोर्ड करे सघंदा आहियूं। असां तव्हां असां जहिड़ा ग़रीब काथो हाणे महांगाई एतिरी थी वई आहे। पेट्रोल एॾो बीठो आहे डॉलर एॾो महांगो बीठो आहे। ग़रीब माण्हू कमकार घटिजी विया आहिनि हाणे काॾो एतिरो पैसो कमाईंदा जीअं असां हिन जी फीस जेके वधाए। हा साईं ॾुख में ॾिसो था ॾुख में ॾिसो था 30 रुपया 30 रुपया वधाए छॾियो। इहो माना अलाह जे नाले ते निकिरी था वञनि तव्हांजा 30 रुपया अलाह उनखे न वधा अथऊं।
फाइनली चालान वी चालान तो वी फीस भी भरा छींदे पर खबर ना तो अस फ्यूचर रिजल्ट ही यानी मिली असा फीस भी जमा करा छी खबर पई त 7 8 में फेल हूं एडा भागो असा असा के एक गाल जी कंफ्यूजन थे दी पई त असा के मिलियो फर्स्ट ईयर जो रिजल्ट ना है फर्स्ट ईयर वाले सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर जो बिना मिलियो आई असा सेकंड ईयर जी थर्ड सेमेस्टर भी अची वियो हां सेकंड ईयर जी पण फीस ता जमा करा फीस भी ना मिली सो यो असा थोड़ो थे तो अला खैर थी तो अला खैर कंदो सो सेमिनार हलूँ उत वीडियो कह क्लास बैंकिंग फाइनेंस वालों को उत इस्लामिक बैंकिंग जो सेमिनार है टीचर कई है जीनत टीचर जीनत जहाँ अस क्लास वी वही सेमिनार भी कराए तो असो तवजो थे सो उत मिलूँ फाइनली क्लास में अची आया बोले तो सेमिनार में है ना थियण वो सेमिनार जैमें सब कुछ अटेंडेंस थी थे जो शेर मोहम्मद अटेंडेंस पानी भरे तो इन को अस भरी क्लास स्टार्ट थे जिन सेटअप थी रो है चीफ गेस्ट अची आया इस्लामिक बैंक अस डीन डीन साहब अमीर शेर साहब एंड उनसा गड टीचर्स आन रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स एंड ऑनररी गेस्ट वी वेलकम यू ऑल in this very important seminar. First of all, I would like to invite our chief guest, Director General Rahimia Institute of Chronic Sciences, Mufti Abdul Khaliq Azad Sahab, please come on the chair. And finally, Mufti Abdul Khaliq Azad Sahab, Rahimia Institute of Chronic Sciences ke sadar मुफ्ती अब्दुल मतीन नुमानी साहब भी यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर दिस इज वेरी ऑनर फॉर अस दैट डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर अमीर हुसैन शर साहब इज आल्सो देयर आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज कम ऑन द स्टेज फाइनली असाइन डीन साहब अमीर शर साहब देखो ऑफिस से हां सीट संभाले रहे हुए हमारे साथ डॉक्टर सैयद जकत अली शाह मासूमी साहब मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रहीमिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉनिक साइंसेज वो भी आए हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا مفتي عبد الخالق عزاز صاحب مفتي عبد المتين نعماني صاحب لياقت شاہ صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر امیر حسین شاہ صاحب ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف انگلش ذوالفقار شاہ صاحب respected professors, faculty members of Institute of Business Administration, dear students, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Indeed, aaj ka din hamare liye ek aham din is hisab se hai ki hamare darmiyan wo log baithe hain jo hame is context mein kuch cheezein आप लोगों से शेयर करेंगे कि नकमत रसूल करीम अम्माबाद मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी मजमा अली उनके साथ मुफ्ती अब्दुल मतीन नौमानी साहब उनके साथ डॉक्टर अली शाह साहब और मेरे बड़े मोहतरम प्रोफेसर अमीर हुसैन शाह साहब डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और मेरे सामने जो उस्ताद साहिबा
एंड सबसे प्यारे सबसे मोहतरम जो हमारे शागिर्द हैं, जिसकी वजह से सारे उनकी वजह से तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर हम बात करें कि मुआशरा, तो मुआशरा तब तरक्की करता है जब उसके इदारे तरक्की करते हैं। उस जिस आप देखें कि जिस कौमों के इदारे मजबूत हैं वो कौमी तरक्की आता है, लेकिन अब आप अगर अपने इदारों की बात करते हैं तो हमें ये कहना पड़ता है कि वो जिस मकसद के लिए बनाए गए थे वो मकसद या अहदाब वो पूरे नहीं करे। तो इस वाले से तभी देखते हैं कि हम एक जवाल और पस्ती के माहौल में रह रहे हैं, तो इस पस्ती और जवाल से निकालने के लिए इदारों का बहुत बड़ा किरदार होता है। इन इदारों में मुख्तलिफ अकसाम के इदारे हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे सेहत का इदारा है, हमारे यानी डिफेंस का इदारा, इंटीरियर एक्सटीरियर डिफेंस हो या तालीम का इदारा है, यानी मुख्तलिफ इदारे हैं। तो इन सारे इदारों का बुनियादी तौर पर काम ये होता है कि किस तरह हम मुआशरे को तरक्की याफ्ता बनाएं। सो इस हवाले से अगर हम बात करें कि इन सब में जो मुमताज और मोहतरम जो इदारे होते हैं वो तालुक में कुरानिया ट्रस्ट लाहौर, इसका ताल्लुक मैं थोड़ा सा आपके गुजार कर दूँ कि ये इदारा जो है वो सन 2001 में वजूद में आया। इस इदारे का जो सदर मुकाम है वो पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में वाकई है, और इसके इदारे के जो बानी हैं वो जो ये ख्याल यानी लाए थे कि शाह सईद अहमद रायपुरी साहब मतलब आली, जो उन्होंने इस इदारे के बानी हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था कि नौजवानों की तरबियत और उनके अखलाक की दुरुस्ती के लिए हमें एक इदारा चाहिए। तो मैं मुफ्ती अब्दुल खालिक आजाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जवाब डैस में आपसे खिताब में तो शाह सईद रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जी सर की शख्सियत पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर दें, ताकि हमारे सामने जो बैठे हुए हमारे शामिल हुए हमारे फैकल्टी में उसका साहिबान उनकी शख्सियत से जरूर जो है वो आप हासिल करें। इसके अलावा इस वक्त इस इदारे के जो मुहतमिम हैं यानी डायरेक्टर हैं वो हमारे सामने मुफ्ती अब्दुल खालिक आजाद साहब बैठे हुए हैं। इस इदारे का कि जरूरत हमें क्यों पेश आई, इसका क्या पस मंजर, अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें तो सब देखते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्षर मुल्क है। हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला होगा, इस्लाम के कवानीन होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही, और नौजवान नस्ल की दीनी तरबियत और शऊर यानी खराब और गलत और सही की चीज़ में तमीज करना, ये सारी चीज़ें सिखाना इस हवाले से ये इस इदारे का मकसद है। और उसके अलावा खुदा परस्ती और इंसान दोस्ती और तालीम और तरबियत, यानी तालीम जो दी जाती है लेकिन उसके साथ साथ जो अहम तरीन चीज़ है वो तरबियत भी होती है, तो ये भी इस तरह का काम है, वो तालीम के साथ साथ तरबियत भी देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तालीमी हवाले से हमारे मजमू तौर पर इज्तमी कोताही ज़ाहिर हो रही है। सबसे पहले हमारी कोताही ये कि हमने दीन और दुनिया के नाम पर अलग अलग इदारे बना दिए, लेकिन अंग्रेज के आने से पहले अगर हम देखते हैं हमारी इस तारीख में तो यही उलूम दीनी हो या दुनियावी दुनियावी उलूम ये दोनों उलूम एक ही इदारे में दिए जाते थे, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद इसमें तफरीक पैदा की गई, यानी दीनी उलूम अलहदा और दुनियावी दुनियावी उलूम अलहदा, यानी दोनों का कोई आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो ये वाहिद इदारा है जहाँ पर हमें दुनियावी तारीख के साथ साथ हमें दीनी उलूम के से भी जो है वो इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि हमारे मुआशरे में अगर वो दीनी जो इदारे हैं तो उनका इंट्रोडक्शन तो एक 50-12 इंट्रोडक्शन है, यानी हम ये देखते हैं कि ये जो दीनी इदारा ये इस फिरके का ये इस फिरके का नाम नाम लिखे होते हैं अक्सर, तो इस वाले से उन्होंने क्या कहते हैं मुआशरे में एक जो यानी फिक्री थी वो मदद फिक्री खत्म हो चुकी है हमारे, हम मजहब के नाम पर मुख्तलिफ किस्मों में के जो धड़े हैं उसमें बढ़ चुके हैं। इनके अलावा अगर हम देखें कि दीनी फायदे उसका के हैं, इसके अलावा इन यानी जो मदारिस जो ये जो काम करे दीनी इदारे इनकी नतीजे में क्या हो रहा है कि फिर मतलब जो सोच पैदा हो रही है। अगर हम देखें दुनी तालीमत तो उसमें भी हम देखें कि हमारे इदारे जो यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे कॉलेजेस हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी वो हमें या तो जो अगर मैशत पढ़ाएंगे तो वो एडमिशनमेंट की पढ़ाएंगे, कैपिटलिज्म की बात करेंगे, या इला भाषा अगर कहीं पर भी बातचीत होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम की बात की, कभी भी उन्होंने इस्लाम सिस्टम की बात नहीं की, हालांकि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ था। और उसके अलावा मुल्तान, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा इनमें इनके ब्रांचेस हैं, और बड़ी खुशी की बात यह कि बहुत जल्द दाड़काना भी इस इदारे के एक ब्रांच का अफ्ताह होने वाला है, उस पर काम बड़ी जो तेजी से चल रहा है, और नौजवान दाड़काना के जो नौजवान है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस इदारे की तालीमत है उससे मुफीद उसके फायदा उठाएंगे। अगर रही कुरानिक साइंसेस की बात करें तो इसके अहदाफ क्या हैं, सो इसके अहदाफ ये हैं कि सबसे पहले कुरान हकीम की मुस्तद तफसीर का शऊर पैदा करना, कुरान हकीम हिकमत वाली किताब उसके बारे में उसके नौजवानों के साथ का सही जो है वो जो मैसेज है वो पहुँचाना, इसके अलावा अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसल्ला तशरीह करना, इसके अलावा फिक्र और कानून इस्लाम के इज्तमाही तफहीम देना, दीनी तस्वर और सलूक व तरीक व पाती और तस्वीर नफ्स की बात करना,
ये तो एक पर्सनल तौर पे बात होगी, लेकिन अगर हम देखें इस इदारे का एक और भी काम हो ये है कि जो मुआशरती उलूम है, खासतौर पर हम अगर बात करें सोशियोलॉजी की, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, तारीख की बात करें, पर्सन की बात करें, तो ये इदारा भी इसमें नौजवान की भरपूर रहनमाई करता है। तो इसके अलावा जो इस वक्त जो रहीमिया की जो तालीमी सरगर्मियाँ हमारे पास हैं, वो कुरान की बाप तर्जुमा तालीम देना, उनमें कुरान का यानी कि हवाले से तालीम देना, उसमें हमारे पास इस इदारे में दो जो कोर्स हैं, एक दौरा तफसीर है और दौरा हदीस फिक्र व तसव्वुफ है। यानी ये जो प्रोग्राम है ये ग्रेजुएट्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज के जो तालिब इल्म हैं वो भी इसमें शिरकत यानी दाखिला ले सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो मदारिस की तलबा है वो भी इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एक और काम है दीनी शऊर के फैलाव के लिए सेमिनार करता हूँ, बल्कि शुक्रगुजारों का हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर न्यूमा नगर साहब के और हमारे डीन साहब प्रोफेसर अमित हुसैन शर साहब की, जिन्होंने बड़ा ताबुन किया हमारे इस इदारे के साथ और ये प्रोग्राम जो इस वक्त हो रहा है। इसके अलावा एक और ये कि जब कोई आफत आती है, सर आपको पता है कि साहिब सदर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया सबसे पहले तो मैं आप हजरात को शुक्रगुजार हूँ कि हमें यहाँ एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है। यकीनन तालीमी इदारे इसी हवाले से वजूद में लाए जाते हैं कि मुकालमे बाहमी गुफ्तगू और बातचीत के जरिए से तालीम ही इंसान का वो जेवर जो उसे इम्तियाजी खसूसियत अता करता है। कुरान हकीम ने फरमाया कि हल यस्तविल लज़ीन यालमून वल लज़ीन ला यालमून, एक सवाल किया है इंसानियत से कि क्या अहले इल्म और इल्म ना रखने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? कॉमन सेंस कहती है कि नहीं। इसलिए इल्मी मबाहिस पर गुफ्तगू करना, अपने इंसानी मसाइल पर गौर व फिक्र करके सही लाया अमल अपनाना, यह हमारा इल्मी हक भी है और इंसानी हक भी है, हमारा दीनी हक भी है और हमारी सोसाइटी का तकाजा भी है। मोहतरम असातिज़ा और तलबा, इस हवाले से सबसे पहली हकीकत तो ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी मुआशरे के हवाले से किताब मुक़द्दस कुरान हकीम का बुनियादी नुक्ता नज़र क्या है, कि इंसानी मुआशरा, इंसानी सोसाइटी, इंसानी इज्तिमाईयत किन हवाले साहब ने ज़िक्र किया है। तो इस गुफ्तगू में हमारे सामने इस्लाम और कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू आना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की जान माल महफूज है तो आगे बाकी इकदाम बात करें। दूसरी बुनियादी बहस हम यहाँ करेंगे कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उसके बुनियादी प्रिंसिपल क्या हैं जो कुरान हकीम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने बयान किया। जब तक हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं समझते तो बैंकिंग सिस्टम को भी हमने सही तौर पर जब समझ पाते। और हमारे इस लेक्चर का तीसरा हिस्सा होगा कि रिवायती बैंकिंग और इस्लामी बैंकिंग के नाम से जो कुछ इस वक्त हमारी सोसाइटी में या दुनिया भर में चल रहा है उसकी हकीकत, उसका तज़िया, उसके असरात और नतायज के हवाले से हम गौर व फिक्र करें और उस पर अपना नुक्ता नज़र आप हजरात के सामने शेयर करें। तो सबसे पहली बात, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा कानून भी अपनी हदीस में बयान फरमाया कि ला तबीउ ज़हाबा बिज़हाबी वला फिज़्ज़ा बिलफिज़्ज़ा, सोने को सोने के बदले में मत बेचो, चांदी को चांदी के बदले में मत बेचो। बेचने के लिए कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो शर्तें हैं, बुखारी मुस्लिम की यह हदीस। एक तो ये कि दोनों चीज़ें मसावी होनी चाहिए, एक तोला सोना दिया है तो उसके बदले में एक तोला ही सोना लगा, उस पर कोई इजाफा नहीं, एक तोला चांदी दी है तो तोला ही चांदी लेनी है। और दूसरी शर्त यह कि नक़द नक़द उधार नहीं होगा, यदम बियदिन सवाअम बिसवाइन, दोनों में मसावात होना जरूरी है और नक़द नक़द होना जरूरी है। आप देखिए कि अगर सोने और चांदी की तिजारत इस शर्त के साथ हो तो उस तबादले का तो कोई फायदा नहीं, एक तोला सोना आपने दिया दूसरे से क्या है, उतना ही लिया तो क्या फर्क है, ऐसी फजूल एक्सरसाइज है जिसका कोई अमली नतीजा नहीं। तो ममानियत करने का मकसद यह था कि जर की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, जर को आलाए मुबादला के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और चूंकि कुरान हकीम एक आलमी निज़ाम इंसानियत के लिए बनाना चाहता है बिना तफरीक रंग नस्ल मज़हब,
तो पूरी इंसानियत का इस बात पर इत्तेफाक है, तमाम फिरकों, तमाम नस्लों, तमाम कौमों का, कि जर तबादले के लिए सोना और चांदी, उस जमाने में सोना और चांदी। आप देखिए कि ये सोना और चांदी को आलमी करेंसी हो गया, आलमी जर हो गया, कि अफवाम भी एक दूसरे के साथ मामला तय करें तो वो सोने में होने चाहिए। अगर इसके अलावा शक्ल होगी तो वो इस्तेहसाल और जुल्म को पैदा करने का जरिया बनेगी। इसलिए जर के बारे में कुरान का नुक्ता नजर अकली और मंतकी तौर पर यह है कि यह जर इसका ना कर्जों की सूरत में ऐसा इजरा कि जिससे रिटर्न लें आप, और ना ही बै का ऐसा मामला जिस पर आप कोई फालतू चीज वसूल करें या मुद्दत का कोई इजाफा और फायदा उठाएं। सेक्टर या बैंक का इजरा आज से 200-300 साल पहले 17वीं सदी में हुआ। इससे पहले इस तरह के बैंकिंग सेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 1776 में एडम स्मिथ ने दौलत अक़वाम लिखी और वो बरतानवी सोसाइटी का रेवेन्यू कलेक्टर था, उधर से वो अखलाकियात का प्रोफेसर था। उसने ये बुनियादी तसव्वुर दिया कि जैसे अशिया और गुड्स उनका तबादला होता है, ऐसे ही जर उसको असास माना जाए, वो भी अशिया और गुड्स की तरह कैपिटल है और उसका भी रिटर्न होना चाहिए। उसके दलाइल उसकी अपनी किताब में मौजूद है। और बल्कि बरतानवी हुकूमत को उसने मशवरा दिया कि दुनिया में ताकतवर वो कौमें हैं जिनके पास जर है, तो जर ज्यादा से ज्यादा बरतानिया में लाया गया। आप बताइए कि दुनिया में जहां भी जर मौजूद था, बिलखसूस बर अजीम पाको हिंद, जिसके बारे में अकवाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो 1000 साल दौरे मईशत से मुतालिक है, सन 2000 ईस्वी में अकवाम मुत्तहिदा ने एक कमेटी तश्कील दी थी एंगस मेडिसन की सरबराही में। उसने 6-7 साल आलमी मईशत की तहकीक की कि 1100 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक दुनिया में इकोनॉमिक सूरत हाल क्या थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में ये बड़े अजीम पाको हिंद दुनिया की कुल दौलत के 25% का मालिक था, क्योंकि एक जरी मुल्क था, ज़राअत की तरक्की थी, मिसालाजात की तिजारत थी और तिजारत भी सदियों से थी। हिंदुस्तान का ताजर इस खित्ते से यमन और बहिरा अहमर के रास्ते से यूरोप तक पहुंचता था, इधर चाइना तक जी सिर्फ रूट के जरिए से पहुंचता था, उधर तेहरान और बगदाद और खुश्की के रास्ते से रोबतुल कुबरा तक और यूरोप तक ताजरों का सफर रहते थे। अरब ताजरों ने दुनिया भर में तिजारत का एक आलमी निज़ाम वज़ा किया हुआ था। उसके नतीजे में जर उनके पास तबादले अशिया के जरिए से आया, तिजारत के जरिए से आया, कपड़े की सनत से आया, इसी तरीके से ज़राअत के जरिए से आया। अब एडम स्मिथ ने तसव्वुर दिया कि बरतानिया तो उसके मुकाबले में इंतहाई कमजोर है। 16वीं सदी ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है और 100 साल के बाद उसका डेटा जब बरतानवी पार्लियामेंट दारुल अवाम में पेश किया गया तो तिजारत के हवाले से भारी पलड़ा हिंदुस्तान का था, बरतानिया को नुकसान था। तो लॉर्ड्स ने पूरी कोशिश की कि इस कंपनी पर पाबंदी लगाई जाए कि जो तिजारती बैलेंस शीट बन रही है उसमें हिंदुस्तान अपर है और हम उसके ताबे हैं, वहां की चीजें आकर यहां फरोख्त होती हैं जी। तो अब इसका तोड़ पैदा करने का एक ही जरिया था कि हिंदुस्तान के जर को कैसे खेचा जाए। चुनाची कंपनी ने 60 करोड़ पाउंड बादशाह को देकर अपना लाइसेंस बहाल किया और कहा कि हम जैसे भी मुमकिन हो बिजनेस के नाम पर चाहे कोई भी सूरत हो हम हिंदुस्तान की दौलत यहां मुंतकिल करेंगे, इस बैलेंस शीट को बदलेंगे। ये जो 100 साल पहले आप पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, अगला 100 साल आप देखिए, 1616 में बनी थी कंपनी, 100 साल 1716 में बनते हैं और 18वीं सदी में इस बर अजीम पर तिजारत के लिए आने वाली कंपनी सियासत के जरिए से सोसाइटी पर मुसल्लत होती है और लूट मार इतनी की कि अंग्रेजी डिक्शनरी को एक नया लफ्ज लूट दिया, जो यहां का लफ्ज है, संस्कृत जबान का लफ्ज था, हिंदुस्तान का लफ्ज था। लूट मार के जरिए से दौलत मुंतकिल की गई, जर के जर खींचने का काम किया हर मुमकिन तरीके से, चोरी से, डाके से, फ्रॉड से जर इकट्ठा करके बरतानिया पहुंचता है और बकौल एक अंग्रेज के कि हिंदुस्तान के दरियाए सिंध, जमुना, नर्मदा, सिंध, इस पूरे इलाके से दौलत निचोड़ कर दरियाए टेम्स के किनारे उस स्पंज को क्या निचोड़ दिया गया। तो दौलत आज 45 ट्रिलियन डॉलर
का वो अंदाजा है जो दुनिया में इस वक्त ऑन रिकॉर्ड है, जो इस 100 साल में कंपनी ने इस हिंदुस्तान की दौलत को लूटने की। फाइनली सेमिनार न थी ऐसे आई तक वणियो हों असें भी वणियो तकरीबन डेढ़ ब कलाक वेही रहा हूँ आई हाँ मुझे क्लास भी खत्म थी है एकड़ो स्टार्ट भी थी वे सो खत्म थी हाँ मैं बेग खड़ा वरी खेरपुर हल्दे उतें वरी जो सुबह कम दसा उ फाइनल करना उतें हली मिलूँ फाइनली जान बेकरी पुजे उतने लिक्विड वो ठावन जो सो ही जान बेकरी शॉपिंग हॉल सो लिक्विड गोल्यूँ पे ठावन जो अदा के ठावन जो लिक्विड अदा वत पे हल सही ही वी छा लिक्विड आई मुयू फाइनली खेर असा घर पुतासे मैं वरी हाँ दुकान से वह दुकान तो मोटी पे अचान तो वरी बस एंडिंग क्या सो उतों जान बेकरी तो अम्मा जी मेडिकल शॉप से दवा वी हुई उतों वतम दवा वरी बुक स्टार तो थोड़ा सामान वो आपीएन वो भी वतम किताब वगैरह सो साई के चवान खेर असा घर पुगुम एतरा कम कर अची पुगुम बो यो तो इंशाल्लाह सुबाने व्लॉग भलो ठहंदो ही व्लॉग भी पसंद आया तो लाइक कजो शेयर कजो सब्सक्राइब लाजमी कजो बेल आइकन के जरूर दबाजो बो सुबाने इंशाल्लाह व्लॉग भलो ठहंदो जैमें न्याज खाइंदे खबर ना तो केतरन घर में वही न्याज खाइंदे मज़ो इंदो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज़।